मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पंजाबी समुदाय से संबंधित वाले कथित फेक बयान को सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद सिरसा में भी पुलिस ने आप पार्टी के 4 पदाधिकारियों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद 3 पदाधिकारियों को छोड़ दिया गया और 1 आप नेता के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में आप पार्टी के सोशल मीडिया के कालावली के अध्यक्ष तरसेम चंद को गिरफ्तार किया है। तरसेम चंद की गिरफ्तारी के बाद आप नेताओं ने सिरसा के टाउन पार्क में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप नेताओं का कहना है कि बयान सीएम का था, अगर ये बयान फेक है तो सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कल एक कंप्लेंट आई थी हमारे पास कि सोशल मीडिया पे जातीय संघर्ष को भड़काने जैसी बातें लिख के किसी व्यक्ति ने फेसबुक पे अपनी पोस्ट पेस्ट की, जिस पे अभियोग अंकित किया गया 153A और IT एक्ट उसमें लगा के इन्वेस्टिगेशन की गई। SHO सिटी और उनकी टीम ने बड़ा बेहतरीन काम किया और एक आदमी जिसका नाम तरसेम है, वैदवाला गांव का रहने वाला है, उसको हिरासत में लिया है। आज माननीय न्यायालय में पेश करके रिमांड की गुजारिश की जाएगी ताकि अन्य तथ्यों पर भी टेक्निकल तरीके से जांच हो पाए। अगर अन्य की किसी की संलिप्तता है इसमें तो उसका भी पता लगाया जा सके। तरसेम सर है कौन? ये तरसेम आम आदमी पार्टी जो पोस्ट है वो आम आदमी पार्टी कालावाली के नाम से जो है उस पर पेस्ट होंगे। क्या धारा लगाएगी, क्या कार्रवाई? अभी बताया मैंने 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। टिप्पणी जातीय इसको की गई थी, हरियाणा सरकार व मुख्यमंत्री को आधार बना के उसमें जातीय जो है दंगे भड़काने जैसी बातें। सर रात को 1 और 2 बजे के बीच में गांव वैदवाड़ा में हमारे जो पदाधिकारी थे सतीश मम्मी, तरसेम चंद और अमन सामा एक और कार्यकर्ता थे, उनको दीवारें फांद कर CIA पुलिस द्वारा उठाया गया है। इस तरह उठाया गया जिस तरह बहुत बड़े सातिर आतंकवादी या बहुत बड़े सरगना या गैंगस्टर हों, उनको रात को अलग अलग जगहों पर रखा गया है। सतीश जी को तो हमने बड़े संघर्ष के बाद उनसे छुड़वाया था और तरसेम जी को रात को हमें बताया नहीं कहाँ गया है। मैं खुद CIA स्टाफ में सिटी में सदर में हर जगह हम 3 सारे पदाधिकारी घूमते रहे कि वो साथी कहाँ पर है, लेकिन कहीं नहीं बताया जा रहा था वो कहाँ पर है। हमने पता किया कि मामला क्या है तो पता लगा कि खट्टर साहब का कोई बयान था कि वो पंजाबियों को लेकर उसके इन्होंने वायरल किया है फेसबुक पर व्हाट्सएप पर, उसके खिलाफ उनको चार्जशीट की गई है। अब वो बयान तो खट्टर साहब का था, हमारा तो नहीं था, अखबारों में छपा था, हमने तो नहीं छपा था। जब फेसबुक पर वायरल कर दिया उसके आधार पर को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब खट्टर साहब क्या शराब पीकर बयान देते हैं? अब हम उनकी गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। इस पर मामले पर हमारे पूरे हरियाणा में काफ़ी आदि साथियों को गिरफ्तार किया गया, तकरीबन 70-80 को गिरफ्तार किया जा चुका है। हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे और ये जिस बात को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया कि आपने फेसबुक पर वायरल किया है, हम आज शहर में हर दुकानों पर बांटेंगे, जन जन तक ये बात पहुँचाएंगे कि खट्टर साहब ने खुद ये बात कही है, हमने इसमें कुछ अपनी तरफ से क्रिएट नहीं किया है। बयान खट्टर साहब दे रहे हैं, गिरफ्तार हमें किया जा रहा है, तो खट्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए अगर ये बयान गलत है तो। सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। समय समय पर अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए यस TV।